आप सभी के पसंदीदे निरहुआ के बारे में यहाँ हम बात इसलिए करेंगे क्योंकि जरा देखिए आप अपने पसंदीदे निरहुआ को। ये जो तस्वीर हम आपके बीच लेकर आए हैं, निरहुआ आपने देखा ही होगा कि हमेशा भोजपुरी सिने इंडस्ट्री में एक ऐसे एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं जिन्हें भोजपुरी भाषा को प्रमोट करते हुए न सिर्फ भारत देश के अलग राज्यों में बल्कि विदेशों में भी देखा गया है। खैर, निरहुआ मलेशिया में भोजपुरी गानों से धमाल मचाते हुए बीते महीने नजर आए, जिसके बाद उन्हें देखा गया है अपनी फिल्मों को लेकर व्यस्त। तो वहीं उन्हें झटका देने के लिए उन्हें नायाब तोहफा भोजपुरी लैंग्वेज में बोलते हुए सनी लियोन ने दे दिया। जी हाँ, बॉलीवुड के बेबी डॉल सनी लियोन ने देखिए जरा इस ट्विटर पर पोस्ट शेयर किया और लिखा, व्हेन यू आर इन कैरेक्टर ऑल द टाइम कोलकाता कोका कोला यूपी भारी। जी हाँ, बिहार को लेकर, जी हाँ उन्होंने लिखा बिहार को लेकर, बहुत ही खास लिखा उन्होंने किस तरह से ट्विटर पर वो पोस्ट, जरा देखिए। जी हाँ, एक्टिंग की शुरुआत बॉलीवुड में की उन्होंने, लेकिन भोजपुरी में उन्हें काफ़ी पसंद आ रहा है। भोजपुरी में बड़ी बातें करते हुए सनी लियोन ने दे दी है खुशखबरी फैंस को। उन्होंने लिखा, जब आप हर समय कैरेक्टर में होते हैं तो अपने कैरेक्टर में खो जाते हैं। अपनी अपकमिंग फिल्म कोको कोला के लिए यूपी की स्थानीय भाषा सीख रही हैं, वो काफ़ी मेहनत कर रही हैं सनी लियोन, ये तो आप जानते हैं। और वीडियो में उनका ये प्यारा सा रूप जो सामने आया था वो लोगों को काफी पसंद आया था। पिंक ब्लेजर और ब्लैक स्कर्ट में सनी लियोन का जबरदस्त लुक। सनी के बारे में अगर बात की जाए तो बेहतरीन डांस की कला में माहिर है सनी लियोन। वैसे आपको बता दें, फिल्म रईस में लैला सॉन्ग में उन्होंने अपने डांस से धमाल किया। इससे पहले भारत में अपनी पहचान साल 2011 में आए एक रियलिटी शो के जरिए बनाया जिसका नाम बिग बॉस बताया जाता है। इसके अलावा उनका हॉरर कॉमेडी फिल्म कोको कोला के अलावा सनी लियोन जल्द ही रंगीला और वीरा माँ देवी में भी वो नजर आएंगी। कृति सनन दिलजीत दोसांझ की फिल्म अर्जुन पटियाला में भी वो स्पेशल सॉन्ग में परफॉर्मेंस देती हुई नजर आएंगी। नेक्स्ट 9 भोजपुरी से तृप्ति की रिपोर्ट।